सांसद है, आज एक महीना होने जा रहा है जी। हमको बहुत उम्मीद थी सरकार से, ढेर किया था सरकार का हम लोगों ने कि 24 के बाद सब खुल जाएगा। अब 31 तक जो लॉकडाउन लगा दिया गया है उसका व्यापार मंडल बहुत विरोध कर रहा है, और हम सारा काम अपने उससे कर रहे हैं सिस्टम से। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजे, उन्होंने उस ज्ञापनों को कूड़े में फेंक दिया। वो ये समझ रहे हैं कि व्यापारियों को उन्हें कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा पूर्ण लॉकडाउन कर देते वो, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, हमारा व्यापारी जो टैक्स दे रहा है उसमें 28% GST दे रहा है, 14% केंद्र सरकार ले रही है। तो माननीय मोदी जी ने पहले हम लोगों से थाली बजवाई थी कि चलो कोरोना चला जाएगा, आज हम थाली बजा रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को मान तो आप दे। सरकार के विरोध में थाली बजा रहे हैं, सरकार के विरोध में पूर्ण रूप से हम लोग विरोध कर रहे हैं, थाली बजा रहे हैं जी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या नाम है, मुकुंद मिश्रा जी, उनसे भी हम आह्वान करेंगे कि पूरे प्रदेश में सरकार का हम लोग विरोध करेंगे। और व्यापारी अब सड़कों पे आ गया, क्योंकि सबर का बांध खत्म हो गया है व्यापारी का। शराब की दुकान पर आने का मकसद क्या है? हमारा है रोड पे आने का मकसद, शराब की दुकान पर, शराब का दुकान का ये है कि सरकार अपना खजाना भरने के लिए इस दुकानों को खुलवा दिया है, और लेवी पर किसान को गेहूँ खरीदा जा रहा है। टैक्स तो व्यापारी भी देते हैं ना, GST टैक्स व्यापारी देते हैं, जभी तो हम आपसे कह रहे हैं कि सभी टेट की दुकानें खुलनी चाहिए, चाहे कम घंटे के लिए खुले, चार चार घंटे के लिए, सभी सिस्टम से हम पूर्ण सहयोग करते हैं। आपको पता है व्यापार मंडल ने बेहतर करोड़ काल ने मदद की है।